ये कौन है? तो वापस आ जाते हैं। दरअसल कंप्यूटर हैंग कर जाता है दूसरी वाली मीटिंग में, तो इसलिए वापस आते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मैंने क्या बताया है, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो पूरी तरह प्योर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी दूसरा सब्सटेंस नहीं मिला होता है, मतलब दूसरा एटम या दूसरा अगर मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो नहीं उसमें होता है। क्लियर है? अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, केवल एक ही तरीके के एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है, कोई दूसरा उसमें ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड सल्फर एटम्स। क्लियर है? वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर वाटर इज प्योर सब्सटेंस। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दस ऑल द एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के जितने भी चीजें हैं वो सब क्या है, वो सब एक ही चीज पाई जाती है उसमें, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस। क्लियर? बट जैसे कोई पानी ले लो, मान लो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर्स, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरह की जो चीजें हैं, जो मिक्सअप है, वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाई एनी फिजिकल प्रोसेस। अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, इसमें जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, चूंकि जैसे मान लो मैंने कहा पानी, तो पानी का मतलब होता है प्योर H2O ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। मैं नाले के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, नाले के पानी या हैंडपंप के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें खाली पानी ही नहीं होता है, पानी के मॉलिक्यूल के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कि बॉडी के लिए जरूरी भी होता है। नाले के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हैंडपंप के पानी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे नाले के पानी में बहुत सारी चीजें इम्प्योरिटी और मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, या कह सकते हैं मिक्सचर। क्लियर है? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो। श्रेया, संचिता, झलक पांडे, झांसी श्रीवास्तव, अनुभव वर्मा, क्लास 9। सर, यस झलक, सर, श्रेया, और यस कौन बचा? संचिता। सर, तो समझ गया ना प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड जिसमें कोई दूसरा चीज ना मिला हो। दूसरा चीज मतलब एक ही कैटेगरी रहे, पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल रहे, दूसरी चीज है मान लो NaCl मिल गया उसमें, जैसा कि नॉर्मल होता है, पानी जो हैंडपंप का होता है उसमें काफी सारे साल्ट मिले होते हैं, इसीलिए वो स्वादिष्ट नजर आता है हैंडपंप का पानी पिएंगे तो। अब फिल्टर के पानी में सब हटा दिया जाता है, ठीक है, तो फिल्टर का पानी बहुत कड़वाता है, अजीब सा लगता है, तो इस वजह से वो पानी बहुत अच्छा लगता है हैंडपंप वाला, तो वो इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब वो जरूरी भी है इम्प्योर, ठीक है, हमें तो वही चीज चाहिए ना, साल्ट वगैरह। और फिल्टर का पानी नुकसान करता है बल्कि। हाँ, उस जगह ठीक है जहां पर पानी ही सही नहीं आ रहा है, अब दिल्ली साइड चले जाओ, वहां पानी साफ नहीं आता है, इसलिए वहां फिल्टर की जरूरत है। अब मान लो जहां समुद्र का पानी आता, खारा पानी आता, वहां पर फिल्टर की जरूरत है, वहां पर ये सब चीजें हैं। अब गोवा साइड चले जाओ तो वहां पर समुद्र के किनारे के जितने पार्ट हैं वहां पर बड़ी मुसीबत होती है, पीने वाला पानी कम मिलता है, समझे ना, ध्यान रखना। सर आप तो भी फिल्टर ही पीते हैं? मजबूरी में पीना पड़ता है, आलस बुरी बला है, आलस के कारण हम भर भर के नहीं लाते। सर हाँ,
जबकि पसंद हैंडपंप का पानी होता है। आकाश के घर में जाते हैं से एक बोतल उठाते हैं पूरा गटक जाते हैं। खैर क्या हो गया रहा भाई, जानसी संचिता झलक है, श्रेया चली गई, हद हो गई। मतलब चार लोगों की क्लास में पढ़ा रहा हो तो आठ लोगों में से पांच लोगों की क्लास आंस हैप्पी भी नहीं है। हैप्पी का तो चलो ये पार्टी नहीं है, ले आंस को तो होना आंस का तैयार हुआ। श्रेया वेलकम बैक। श्रेया श्रेया कह रहे हैं वेलकम बैक। नहीं खाना बोल ये कौन बोल रहा है, हार्ट अटैक दिलवा देते लोग। खैर इम्प्योर सब्सटेंस की हम बात करते हैं मिक्सचर की। अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। जाहिर सी बात है मिक्सचर का मतलब है कि दो से ज्यादा पार्टिकल अगर मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन का मतलब पानी और साल्ट को अगर मिलाते हो तो क्या होता है, ये मिक्सचर ही तो होता है। ठीक है, मिल्क भी क्या है, पानी फैट और प्रोटीन का मिक्सचर है। मिल्क भी क्या है, पानी फैट और प्रोटीन का मिक्सचर है। उसको खौलाते चले जाओ तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, बचेगा क्या, फैट और प्रोटीन। वही खाने में बड़ी मजा आती है, आइसक्रीम भी उन्हीं की बनाई जाती है, खोआ भी बनता है, समझे। तो ध्यान रखना कि इस तरह की जितनी चीजें हैं, जैसे सी वाटर है, सी वाटर का मतलब पानी भी है उसमें और पानी के अलावा साल्ट बहुत सारा है उसमें, तभी सी वाटर को हम पीते नहीं है, पीने लायक पानी हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पी लिया, मतलब थोड़ा सा तो काम चलो भी मतलब पी सकते हैं, ज्यादा पी लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट जरा होल्ड करो, फ्रीज में रख दो ना मम्मी, फ्रीज में रख दो। दरवाजे खोल के दिया तो मुझे
हेलो सर, हाँ बेटा, हेलो सर, हाँ सर, हाँ ठीक है। जैसे एलपीजी भी है, एलपीजी क्या है, मिक्सर है, ठीक है। बायोगैस क्या है, मिक्सर है। टैप वाटर मतलब जो नल का पानी आता है उसमें भी क्लोरीन वगैरह सब मिला के देते हैं। टी कॉफी पेंट हर एक चीज तो मिक्सर है, बात क्लियर है। तो मिक्सर का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा अदर कंपोनेंट आके जुड़ जाए, ठीक है। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? यस सर। अरे तुम ही तो यस बोलना, मैं बाकी के जवाब ढूंढ रहा हूँ भाई। यस सर। और श्रेया ने यस नहीं बोला, संचिता ने यस नहीं बोला, जलक पांडे ने यस नहीं बोला, अभी भी यस नहीं बोला। ठीक है भैया, म्यूट करके बने रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके बारे में पूछूंगा, पुराना भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना इसको। टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। बाय। गुड इवनिंग सर। बाय। गुड इवनिंग। थैंक यू।